हाय फ्रेंड्स, आज हमारे पास एक बहुत सा कमेंट आ रहा है कि एक मोबाइल से प्रिंट कैसे करेंगे, तो उसका एक वीडियो बनाइए सर। एक्चुअली देखिए, मेरे पास एक 2870 का मशीन है, तो इसमें मैं कैसे मोबाइल से प्रिंट करूंगा। देखिए 2270 मशीन है, मोबाइल से कैसे प्रिंट करूंगा तो मैं इसको आपको बताऊंगा, इसमें कैसे कैसे इससे मोबाइल से आप प्रिंट कर सकते हैं। दो टाइप का बताऊंगा मैं, एक पेड है एक फ्री है, जिसे आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं उसको बता रहा हूँ आपको, तो कैसे कैसे करेंगे। ठीक है, इसमें आपको प्रिंट करने के लिए एक प्रिंटर केबल चाहिए और एक ओटीजी कॉर्ड चाहिए। देखिए, ये होता है ओटीजी कॉर्ड है, जो आपके मोबाइल के हिसाब से आपको मोबाइल दुकान में 15-20 रुपए का मिल जाएगा। और एक प्रिंटर केबल है, तो इसका एक पॉइंट इधर लगेगा और एक पॉइंट मशीन में लगेगा। ठीक है, तो ये दो चीज आपको चाहिए। ठीक है, तो अभी इसमें मैं बताऊंगा, पहले जो फ्री वर्जन है मैं उसको बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद में पेड वर्जन का मैं आपको बताऊंगा। पहले आपको करना क्या है, ओटीजी और जो पावर केबल है, सॉरी ओटीजी और आपका प्रिंटर केबल को कनेक्ट कर देना है। कर देने के बाद में, और उसके बाद में आपको प्ले स्टोर पर जाना है। ठीक है, प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद में यहाँ आपको सर्च करना है नोको प्रिंट। देखिए यहाँ पर है, तो इसको सर्च करना है नोको प्रिंट। नोको प्रिंट आ गया, 9.4 MB का आता है, तो इसको यहाँ इंस्टॉल करना है। आपका इंस्टॉल हो गया, तो अभी इसको हम ओपन करेंगे। तो अभी यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है नॉट सिलेक्टेड। ठीक है, तो यहाँ पे नॉट सिलेक्टेड पे आपको जाना है। जाने के बाद में यहाँ पे जो USB का सिंबल दिया हुआ है, देखिए पहले वाईफाई, उसके बाद ब्लूटूथ, उसके बाद USB, तो USB सिंबल को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे आ जाएगा ऑलवेज नोकोप्रिट एक्सेस 2270-2870, तो इस घर पे टिक करना है। टिक करने के बाद में आपको ओके कर देना है। ठीक है, अब ओके कर देने के बाद में ये आपका सिलेक्ट हो गया, इसको यहाँ आपको सिलेक्ट कर देना है। जैसे सिलेक्ट करेंगे प्रिंटर सेटअप मांगेगा, आप यहाँ पर यूज़ जेनेरिक करना है। यूज़ जेनेरिक जब करेंगे तो इसमें एक 5 MB का फाइल होता है, जो कि डाउनलोड हो जाएगा। अब प्रोसेसिंग चल रहा है, तो ये अब हो गया। हो जाने के बाद इसको अभी ओके कर देना है। ठीक है, अभी हम इसको ओके कर देंगे। देखिए आपका आ गया कैनन 2270 ये करके आ गया। तो अभी प्रिंट करना अगर होगा, तो अगर हम डॉक्यूमेंट में जाएंगे, तो मेरे पास अभी एक फाइल है, इसको करेंगे, 2 पेज का फाइल है। ठीक है, तो मैं अभी इसको यहाँ पे सेटिंग पे जाऊँगा। ठीक है, सेटिंग पे गया तो हमको कॉपीज एक चाहिए, पेज ऑल कर सकते हैं, या फिर आप जो कर सकते हैं पेज रेंज में एक पेज वाला कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में फिर आप सेटिंग में जाएंगे, तो यहाँ पे 2 साइड प्रिंटिंग भी कर सकते हैं, बहुत ऑप्शन दिया हुआ है। 2 साइड पेपर साइज ये सब भी आप चेंज कर सकते हैं। चेंज कर देने के बाद में यहाँ पे आप प्रिंट करेंगे। ठीक है, प्रिंट जॉब सेंड हो गया, तो प्रिंट आपका हो गया। ठीक है,